आज वीडियो में अपने इस गाड़ी की जो ये टेल लाइट का ग्रिल आता है तो नहीं बदलने वाला मैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूंगा कैसे बदलना, वो भी मंगाया हूँ क्योंकि उसके बिना तो मिलती नहीं है, क्योंकि मुझे सेम रखना है। जिस पे कवर आता है ये हुआ, ये इधर का, और ये इसका कवर, ये मत करने वाला हूँ क्योंकि कई बार गाड़ी खड़ी होती पीछे से, खास करके पीछे वाले हिस्से ज़्यादा डर लगता है टूटने का, ठीक है। वैसे भी उसके तो कोई नहीं, लेकिन मैंने मेटेरियल मंगाया, देखते थोड़ा बहुत सपोर्ट तो रहेगा ही। वीडियो पहले से चालू करने से आपसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। शुरू करते हैं अपने ये वीडियो। मैंने अमेजोन से मंगाया, ये लगभग 650 का पड़ा है, 650 का, 650 का। इसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगा आपको। ये मैट ब्लैक में है ये पूरा, इसमें बिना हेडलाइट के तो मिलता ही नहीं है ये। अब हेडलाइट वाला आपको लेना ही पड़ेगा, मुझे हेडलाइट नहीं चाहिए थी। इसका मटेरियल है, नीचे रख के दिखा देता हूँ, खींच जाएगा ये रहा। इसके अंदर पैकिंग इन लोगों ने लगाया, इससे क्या सेफ्टी बनी रहती है। ये मेन हेडलाइट का हो गया, दिखा देता हूँ। इसमें दो ऑप्शन आता है, एक मेटल का आता है और एक वो प्लास्टिक का था, पीवीसी का। तो ये अपना मेटल का है, ये हो गया ये अपना। तो ये जो आप ये जो जो छोटी लाइट है, फॉग लाइट में जलती है वो, उसका ये स्क्रू उसके साथ आए हैं। ये आपके चार इंडिकेटर हो गए, इंडिकेटर के कवर, हाँ। और ये आपका जो पीछे टेल लाइट आती है उसका, ठीक है। अब इसको अपने लगाते हैं, बहुत आसान है लगाना, इसको आप घर पर ही लगा सकते हैं, मंगा के जरूरत नहीं कहीं लेके जाने होने की। ये चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको चाहिए क्या, बस एक एक स्क्रू ड्राइवर और ये 10 नंबर का पाना, क्योंकि जो यहाँ पे लगेगा वो 10 नंबर के पाने से लगेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, अपने पीछे से अपने पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पीछे में ये है भैया, और ये लगाते हैं अपने। इसको बता देता हूँ, पहले आपको ये स्क्रू खोल लेना है, फोर पिन की मदद से इसको खोलना है। ध्यान रखना कि ऐसे पकड़ रखना है, ऐसे गिरेगी तो नहीं, लेकिन हिल के गिर ना जाए, नहीं तो फिर आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो ये बाहर आ गई, तो ऐसे ये ध्यान रखना है, ये निकाल लेना है। फिर जो आपका ये पूरा यही वाला यूज़ करने वाला है, जो ब्लैक वाला है मैं उसको इस्तेमाल नहीं करने वाला, मुझे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ब्लैक फिनिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको वो इस्तेमाल करना तो कर सकते हो। और ये वॉशर निकाल देना है, ये काम का नहीं है। फिर ये इसको ऐसे लगा के ऐसे थोड़ा टिका देना है, क्या गिरे नहीं, ठीक है। फिर दूसरा लेना है स्क्रू, दूसरे स्क्रू को भी टिका देना है, ये हो गया। फिर इसको थोड़ा दो तो फिर टाइट कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, ऐसा ओवर टाइट कर दो आप तो टूट के बाहर लेके आ जाए सब, ठीक है। ये हो गया, देख रहे हैं, थोड़ा सिल्वर ऑकवर्ड लग रहा है इसमें, लेकिन उतना चलता है क्योंकि ये जेन्युइन वाला है, ठीक है। इसे लगा दिया, मैं चारों लाइट लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो ट्रेल लाइट का लगाना है उसको पहले आपको ये खोलना पड़ेगा, हो गया। ये दो चीज़ खोलनी है, 10 नंबर का आता है पाने, जैसे आपको खोल देना है इसको। ये ऐसे लगा के फिर ये सीधे वापस टाइट कर लो, ये टाइट कर देना पूरा आपको।
थोड़ा दबाना पड़ेगा, ये कांटा इसको ढीला कर लो। अब ये एक है थोड़ा, ये टिकी है लगाना, लेकिन लग गया। इसे थोड़ा टाइट कर देना आपको, वो टाइट नहीं करना। ये हो गया इसका पीछे पूरा लग गया करना है, थोड़ा ये इसको ढीला कर लेना है। ये वाला हिस्सा ये ढीला रहेगा, फिर इधर का जरा दिखाना। ये जैसे ये स्क्रू हो गए ढीले हो गए, ये थोड़ा थोड़ा ढीला कर देना है। फिर आपको ये लेना है ग्रिल, ठीक है। ये इसको अभी आपको सब ग्रिल लगानी, वो हेडलाइट लगानी पड़ेगी। तो ये आपका ऐसे लगे, मैं दिखा दे रहा हूँ बस, ठीक है। ऐसे हो गया, इसे दिखाने के बाद आपको इसको टाइट कर देना है सर। ये इसको थोड़ा ढीला ले लेना है, हो गया अच्छा। ये ऐसे तो ये फिट हो गया। अभी ज़्यादा मैं टाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको रखने वाला नहीं हूँ, इधर दिखा देते हैं। तो ये वाला बोल्ट ऐसे टाइट कर देना है, ठीक है, हो गया। तो दूर से देख लो ऐसा आसपास, ये ऐसी दिखेगी, ऐसे ही लगती है ग्रिल। वो आपका फिर जो ये वाला पोर्शन है दिखाने, ये डायरेक्ट आपको ये चीज़ निकाल के, ठीक है, मेरे में ये लगी हुई है तो मुझे ये बदलनी पड़ती है, तो मुझे यही रखनी, अपनी रखनी है, बदलना नहीं है मेरे को, ठीक है, क्योंकि क्लासिक के चक्कर में ले आया हूँ ये, ठीक है। तो ऐसे इसका व्यू आता पूरा, ठीक है। मैं अपनी पूरी हेडलाइट वापस लगा देता हूँ क्योंकि मैं अभी इसको बदलने वाला नहीं हूँ, इसकी बदलेंगे। थोड़ा ये हार्ड है, ये खुल गया इसका। सेम अपने देखते हैं इसका, यही स्क्रू यूज़ करेंगे, अपना ब्लैक वाला नहीं इस्तेमाल करना है। आपको ले लेना इसे, नहीं ये नहीं है, ये निकालना ही पड़ेगा, ये आपको रखना पड़ेगा। वापस टाइट कर देना, हो गया टाइट, ठीक है। ऐसा इसका व्यू आएगा, हो गया फिर टाइट। अब से मैं ये वाला भी कर देता हूँ, फिर आपको पूरा दिखा दूँगा इसका, उसका गाड़ी का पूरी व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा इसका इंडिकेटर का, ये ऊपर इसका जो छोटी वाली लाइट आती है उसका हो गया, हेडलाइट रहने भी आप ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसा बदल सकते हो, ठीक है। और ये रहा इसका पीछे का लुक, पीछे का लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे आप घर पे भी इसको बदल सकते हो। कैसा लगा वीडियो बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।